हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका दिया की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो अभी से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं एंड बहुत दिन के बाद ऐसे हम घर का ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से हम शूट नहीं किए थे, तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे करीब, तो हम अभी ब्रश कर लिए हैं एंड अभी हम यहाँ पे बाहर में बैठे हुए हैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है कि हम जागने के बाद, ब्रश करने के बाद थोड़ी देर हम यहाँ पे बाहर पे बैठे रहते हैं घर के बाहर। यहाँ ये दूध वाला बोतल रखा हुआ है, अभी दूध देने आता है तो वो लेकर जाता है। एंड यहाँ पे बैठने के बाद अभी हम अंदर जाएंगे एंड अभी फिर हस्बैंड जाग चुके हैं, तो अभी दिया सो रही है। तो अभी हम जाएंगे किचन में डायरेक्ट एंड किचन में हम झाड़ू देंगे एंड झाड़ू देने के बाद चाय बनाएंगे एंड पानी गर्म करेंगे, जो मॉर्निंग का रूटीन होता है। तो आज हम आप लोगों के साथ अपना रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में बिना स्किप किए हुए, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। यहाँ पे आरती चल रहा है, हस्बैंड रोज जागते हैं तो वो लगा देते हैं आरती। एंड यहाँ पे अभी तक दिया सो रही है तो नेट लगा हुआ, बिना नेट के हम लोग नहीं रहते क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर है एंड स्पेशली दिया के लिए लगाना ही पड़ता है। तो अभी वो जाग जाएगी तो हम अपना बेड क्लीन करेंगे। जाग भी गई वो, क्या हो बेटा आओ। तो यहाँ पे हम दिया को बाहर लेकर आए हैं ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए, तो उसको अभी बाहर घुमा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो जैसे कि बाहर लेकर खड़े हैं। करेगी बताओ, आज जल्दी जाग गई, आप तो 7 बजे जागती है ना। तो दिया अभी अपने पापा के साथ है एंड यहाँ पे अभी हम किचन में आ गए वार्म वाटर करने के लिए एंड चाय बनाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, जो किचन का काम होता है ना वो सबसे पहले हम यहाँ पे झाड़ू दे रहे हैं। पहले किचन में हम झाड़ू दे देंगे एंड फिर सारा काम करेंगे किचन का, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर लेट आती है एंड बिना किचन में हम झाड़ू दिए कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हम चावल निकाल रहे हैं चावल बनाने के लिए एंड यहाँ पर नीचे में ही रखते हैं ये डब्बे में। एंड अभी किचन में कोई कैबिनेट नहीं है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हम चावल को वॉश कर रहे हैं, चावल वॉश करके उसको पैक कर देंगे एंड फिर हम लोग वार्म वाटर पियेंगे। तो बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में बिना स्किप किए हुए, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा आप लोग। लीजिए पानी लीजिए, आज से काम स्टार्ट हुआ ना। तो यहाँ पे चावल पैक कर दिए, यहाँ पे हम दिया के लिए एग बॉईल करेंगे अभी। तो अभी हम किचन का थोड़ा बहुत काम कर लिए, एग बॉईल करने के लिए चढ़ा दे क्योंकि दिया स्कूल जाती है, तो उसको अभी मॉर्निंग में हम एग देते हैं एंड अभी एग देंगे एंड थोड़ी देर बाद उसको दाल चावल या दूध पिलाएंगे, उसको जो खाने का या पीने का मन होगा वही खिलाएंगे एंड वो 9:15 बजे स्कूल जाएगी। एंड अभी हम लोग वार्म वाटर पी रहे हैं, हस्बैंड पी लिए, हम पियेंगे एंड दूध अभी है नहीं, जो चाय बनाएंगे दूध रहता तो चाय भी बन जाता। अभी दूध का वेट कर लेते हैं, दूध आएगा तो फिर चाय बनाएंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बोतल वहीं पे। तो यहाँ पे सारे बर्तन हैं, पूरा दिन का जो बर्तन रहता है वो यहीं पे रहता है क्योंकि मॉर्निंग में हाउस हेल्पर आती है 8:30-9 बजे करीब, तो वो सारा बर्तन एंड झाड़ू पोछा सब कुछ करके जाती है। तो अभी हम आ गए हैं दिया के रूम में एंड दिया का स्कूल बैग पैक करने के लिए। तो दिया का स्कूल बैग में अभी हम कुछ ज़्यादा देते नहीं हैं क्योंकि अलाव नहीं है स्कूल में, सिर्फ एक सेट कपड़ा देते हैं उसको एंड कभी बिस्किट कभी चोको पाई कुछ हल्का फुल्का सा रख देते हैं उसके लिए। तो बस अभी हम इसको बिस्किट रख रहे हैं आज एंड उसका बैग हम शाम को ही पैक कर देते हैं, जब वो स्कूल से आती है तो उसका बैग हम शाम को ही पैक कर देते हैं, डेली का मेरा यही रूटीन है। तो फाइनली अभी दूध आ गया है तो हम जाते हैं दूध ले लेते हैं एंड जाकर चाय बनाते हैं सबसे पहले एंड चाय पीने के बाद बाकी आगे का जो भी काम होगा वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो ये मेरा डेली का
जो काम होता है मॉर्निंग का वही हम आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा रियल वाला मॉर्निंग रूटीन है ये। तो चलिए अभी जाते हैं फिर से किचन में। तो यहाँ पे दूध आ गया था तो अभी हम दूध बॉईल कर लेंगे। एंड यहाँ पे मेरा गैस पे एक चढ़ा हुआ है एंड अभी हम चाय भी चढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग चाय नहीं पिए क्योंकि आज दूध नहीं था, रात में ही दूध ख़त्म हो गया था इसी वजह से। तो अभी दूध आने का वेट कर रहे थे तो अभी हम चाय भी चढ़ा दिए आप लोग जैसे कि देख सकते हो। तो अभी हम चाय चढ़ा दिए हैं एंड चाय बन जाएगा तो फिर अभी हस्बैंड को देंगे। एंड फिर अभी दिया बाहर खेल रही है अपने फ्रेंड लोग के साथ। उसका मॉर्निंग का यही रूटीन रहता है, वो थोड़ा देर बाहर जाकर खेलती है तब जाकर उसका मूड फ्रेश होता है। तो अभी वो आएगी तो फिर उसको ब्रश करवाएंगे। एंड ब्रश करवाने का सुबह का जो भी काम रहता है वो हस्बैंड का काम रहता है। दिया को करवाने का जो भी काम रहता है वो हस्बैंड कर देते हैं, ब्रश करवाना एंड सब कुछ। तो यहाँ पर भी हम किचन में आ गए एंड चाय बनाएंगे एंड चावल भी चढ़ा दिए। चाय बन जाता है तो फिर दूध बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। तो मॉर्निंग का वही सारा रूटीन एंड 8:30 बजे या 9 बजे के अंदर मेरी हाउस हेल्पर आ जाती है। तो वो आकर किचन मतलब किचन साफ करना, किचन काउंटर टॉप, झाड़ू, बर्तन, पोछा सब कुछ करती है। तो इसीलिए मॉर्निंग में सिर्फ किचन में झाड़ू देते, बिना झाड़ू दिए हम किचन में खाना नहीं चढ़ाते हैं। तो बस इसीलिए हम किचन में झाड़ू दे देते हैं एंड बाकी जब वो आएगी तो वो सारा सर सफाई कर लेती है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरा चाय बन गया है तो अभी हम ले अपने लिए एंड अपने हस्बैंड के लिए चाय निकाल लिया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, हस्बैंड को चाय देते हैं एंड फिर हम भी चाय पियेंगे। एंड मेरे रूम का हालत देख सकते हो, ये अभी हम क्लीन नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर बाद क्लीन करेंगे। लीजिए चाय पी के बाबू को लाइए, उसको ब्रश करवाना पड़ेगा। तो अभी टाइम 7:15 हो रहा है आप लोग देख सकते हो जैसे कि, तो मेरा बहुत सारा काम हो भी गया। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं आराम से बैठकर, फिर आगे का काम जो दियो हाय करो। एंड यहाँ पे दिया के पापा उसको ब्रश करा रहे दिया को। एंड आप लोग सोच रहे हो कि किचन में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉशरूम में जाना नहीं चाहती है। मेरा वॉश बेसिन वॉशरूम में ही है, बाहर में नहीं है। एंड ये जाना नहीं चाहती है इसी वजह से इसको किचन में कराना पड़ता है। तो उसके पापा का ही ड्यूटी रहता है उसको ब्रश करवाना। तो यहाँ पे हम चाय पीने के बाद आ गए यहाँ पे पानी भरने के लिए। तो पानी का जो जार है, जो पानी हम लोग पीते, तो पानी का जार मेरे कंपाउंड के अंदर ही रहता है। यही पीने का पानी हम सारे बोतल में भी भर लेंगे। ये मेरा डेली का काम रहता है, रोज़ थोड़ा कम या ज़्यादा लेकिन इतना काम डेली का ही रहता है जो हम आप लोगों के साथ आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहे हैं। तो पानी भरने के बाद यहाँ पे हम अपने बेडरूम में आ गए। तो यहाँ पे हम सारे ब्लैंकेट सब कुछ फोल्ड करेंगे एंड बेड ठीक करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हम नहीं करते हैं क्योंकि दिया लेट जागती है एंड हम भी 7 बजे ही जागते हैं, लेकिन आज हम जल्दी जाग गए थे। मेरा फिक्स नहीं है, 6-7 के बीच में हम जागते हैं, कभी कभी 7:30 भी बज जाता है। जब भी जागते हैं तो इतना काम मेरा रहता है, इतना काम हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम बेड ठीक कर लेते हैं एंड घर का तो डेली का वही रूटीन रहता है सारा काम। मॉर्निंग स्पेशली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम रहता है, उसके बाद इतना काम नहीं रहता है। एंड आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो बेडरूम ठीक करने के बाद यहाँ पे हम आ गए लिविंग रूम एंड यहाँ पे भी हम सोफ़ा ठीक करेंगे एंड सारे कवर सब कुछ ठीक करेंगे। तो ये मेरा डेली का रहता है एंड सोफ़ा कवर के बिना नहीं रख सकते क्योंकि दिया एंड दिया के फ्रेंड लोग आते रहते हैं खेलने के लिए, फिर वो लोग सोफे पे कूदते हैं, इसी वजह से सोफ़ा कवर देना ही पड़ता है। एंड इसी वजह से हम कुशन भी नहीं डाल के रखते क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो एक कुशन एक जगह नहीं रहता, तो इसीलिए हम नहीं डालते। जब कोई गेस्ट आने वाला होता है या कोई फेस्टिवल होता है तभी हम कुशन डालते हैं सोफे पे, नहीं तो ऐसे ही रहता है, बस कवर डाल देते हैं। एंड तो बस अभी हम लिविंग रूम क्लीन कर रहे हैं। एंड अभी हम आ गए दिया के रूम में, उसके सारे टॉयज इधर उधर रहते तो सारा लाकर उसके रूम में हम रख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो गया मेरा एंड अभी हम किचन में आ गए प्याज कट करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड मटन लाएंगे तो हस्बैंड बोले प्याज कट कर दो, हम मटन बनाएंगे तो हस्बैंड ही बनाएंगे, बस हम प्याज कट करके रख देते हैं। तो यहाँ पे मेरा चॉपिंग हो गया, तो मेरा किचन का काम भी सारा ख़त्म हो गया है, बस अब हस्बैंड आएंगे तो वो कर लेंगे।
एंड यहाँ पे धुलने वाले कपड़े जो है हम इसमें रखते हैं। एंड यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा जो सिलेंडर रहता है वो रहता है। तो अभी 7:45 हो रहा है मॉर्निंग का, एंड अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है, आने में टाइम है 8:30 करीब आती है। किसी किसी दिन जल्दी आ जाती है, लेकिन 8:30 ही रेगुलर आती है, 8:30 9:15। तो यहाँ पे मेरा घर का सारा काम हो गया, सब कुछ हम कर लिए। एंड हस्बैंड बोले मटन लाएंगे, एंड मटन हम खुद ही बनाएंगे, हस्बैंड ही बनाएंगे क्योंकि हस्बैंड का हाथ का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो लेकर आएंगे तो वही बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। इधर आ, हैंगिंग हेडबैंड क्या हुआ तुम्हारा? और को दे। तो दिया का भी हेयर में वेल लगा है ना, अभी हम जा रहे हैं किचन में उसके लिए खाना लेने के लिए। एंड मेरा मॉर्निंग में जो सबसे डिफिकल्ट काम है मेरे लिए वो है दिया को खाना खिलाना। एक बॉयल किए थे वो हस्बैंड खिला दिए, इसलिए दिया को खाना खिलाने का ड्यूटी हस्बैंड का ही रहता है कि वो मेरे से बिल्कुल ही नहीं खाती। आप लोग देख सकते हो जैसे कि अभी वीडियो में परेशान हो जाते हैं उसको खिलाने के चक्कर में, तो मेरे से नहीं खाई तो लास्ट में हम छोड़ दिए। एंड हस्बैंड जाकर उसको खिलाए थे थोड़ा बहुत, एंड 2-3 निवाला ही खाई थी, फिर उसको स्कूल जाने टाइम पे हम दूध पिलाए। तो आज हम आप लोगों के साथ मटन का एक सिंपल सा रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में हस्बैंड वेल डालें, एंड प्याज डालेंगे, नमक, हल्दी। एंड प्याज को सिर्फ 3-4 सीटी लगाना है ताकि वो अच्छे से पक जाए। जब प्याज पक जाएगा तो आगे हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी तो वो कुछ सामान लाई थी, तो वो हम ले रहे थे अभी। तो सुबह का ऐसे ही होता है, आधा काम इधर आधा काम उधर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे पैक हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हाउस हेल्पर अपना काम कर रही है, वो झाड़ू करेगी, बर्तन पोछा जो होता है घर का सारा काम वो सब कर रही है अभी। तो यहाँ पे प्याज पक चुका है, यहाँ पे अभी प्याज जो पक चुका है उसमें सिर्फ हस्बैंड मटन डालेंगे। मटन को मैरिनेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस मटन डालेंगे। एंड मटन डालने के बाद भी 3 सीटी तक लगाएंगे, एंड मटन अच्छे से पक जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोग नहीं बनाए तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। एंड यहाँ पे काऊ आया है, पता नहीं आजकल 2-3 दिन से रोज ही ये काऊ आता है, तो हम अभी रोटी देने जा रहे हैं, इसको रोटी खिलाएंगे हम अभी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोटी खा रही है। एंड यहाँ पे ये काम स्टार्ट हो रहा है घर में, मतलब क्या काम हो रहा है ये हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मेरे घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए बाहर में काम हो रहा है। एंड यहाँ दिया को हम रेडी कर दिए स्कूल जाने के लिए। एंड यहाँ पे दूध पिलाने के लिए बैठे, वो भी नहीं पी रही है, तो लास्ट में उसके पापा ही उसको थोड़ा बहुत पिलाएं। एंड उसका स्कूल वैन भी आ गया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि उसके पापा उसको पिला रहे हैं, स्कूल का वैन भी बाहर में लगा हुआ है एंड पिला रहे हैं। ऐसे ही होता है मॉर्निंग में, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, क्या ही बोले। तो बस यही मेरा मॉर्निंग रूटीन ऐसे ही होता है भाग दौड़ वाला। तो यहाँ पर उसका बहन आ चुका था तो वो चली बाय दियो। तो आप लोग देख सकते हो जैसे तो बॉइल्ड मटन ग्रेवी यहाँ पे रेडी है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हम लोग बहुत ज़्यादातर इसी तरह का मटन बनाते। तो आज का ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को जितना हो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।